जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अपन काव्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं जहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं इस क्लास में। तो सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज रात्रि में 10 बजे आपके लिए क्लास लाई जाती है हिंदी साहित्य में, काव्य शास्त्र से संबंधित पढ़ रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय लेकर आए हैं एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जो भी ये टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहता है मात्र 299 रुपए में आप इसको परचेस कर सकते हैं। 47 इसमें प्रश्न होंगे और ये नंबर दिया गया, इस पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलेगी हिंदी साहित्य के इस वाले ऐप पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां पर आप जाकर डाउनलोड कर ले और जो भी परचेस करना चाहते हैं तो वह परचेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पुष्पा जी, लवली जी, शिल्पा जी, संध्या जी, प्रिया जी, देखिए तन्मय जी, आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? स्वर भंग बताना है, एकाएक है, वाचिक है, आहार्य है या फिर सात्विक है, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पुष्पा जी, क्या होगा सही राइट आंसर? स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है? तो आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं और यहाँ पर स्वर भंग पूछा है तो ये सात्विक माना जाता है। विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सुनित जी सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही राइट आंसर, अनुभव 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक अनुभव, इसे मानसिक मानसिक भाव भी कहते हैं, पवित्र माना जाता है। इसके 8 वेद होते हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण, अश्रु और प्रलय, ये इसके 8 वेद होते हैं। किसके मतलब जो सात्विक अनुभव है इसके 8 वेद होते हैं और इसको मानसिक भाव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 86वां क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? बताइएगा। 86 में आपके लिए चयन करना है कारणमाला, माला दीपक या फिर एकावली या फिर काव्यलिंग। क्वेश्चन नंबर 86 में आपके लिए चयन करना है सही राइट आंसर, यहाँ पर क्या होगा नेहा जी? और बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, 86वां क्वेश्चन है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने यहाँ पर भी चयन किया है काव्यलिंग, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, तो बिल्कुल सही। जहां पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहां पर करुणमाला, माला दीपक और एकावली अलंकार होता है। परंतु जहां युक्ति द्वारा कारण देखकर पद या बाकी के अर्थ का समर्थन किया जाता है, वहां पर काव्यलिंग अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 87 आपसे पूछा गया, इनमें से किस हिंदी आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या की है? 87 में आपके लिए चयन करना है नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह, क्या होगा सही राइट आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा 87 में विकल्प नंबर 1 यानी कि नगेंद्र। नगेंद्र आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत सारे लोगों ने विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर है। साधारणीकरण के प्रणेता आचार्य भट्ट नायक हैं। हिंदी में डॉक्टर नगेंद्र ने साधारणीकरण की व्याख्या देते हुए कहा है कि कवि की भावना ही साधारणीकरण है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 88वां क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है? श्लेष अलंकार पूछा है, ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। तो आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन करना है यहाँ जी। तो बिल्कुल सही रनु जी राइट आंसर है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 88 में श्लेष अलंकार कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। विकल्प नंबर यहाँ पर जिन्होंने भी 1 चयन किया उनका सही राइट आंसर होगा। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, 2 प्रकार माने जाते हैं, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष, ये आपको याद रखना है, इसके 2 प्रकार माने जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपसे 89 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, बताइए।
नहीं बताना है आपके लिए श्लेष, विप्सा, उपमा या फिर वक्रोक्ति, सप्तलंकार नहीं है। क्वेश्चन आपका 89 है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर होगा यहाँ पर कि विकल्प नंबर जो सी है वह सही राइट आंसर होगा, यानी कि उपमा जो है, उपमा ये शब्द अलंकार नहीं माना जाता है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, अर्थालंकार माना जाता है उपमा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। राखी जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। देखिए जहाँ शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार पैदा होता है वहां शब्द अलंकार होता है और इसका नाम इस प्रकार देखिए अनुप्रास, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा आदि जो है ये माने जाते हैं शब्द अलंकार, लेकिन जहां अर्थ के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दीपक, अतिशयोक्ति और व्यतिरेक, उदाहरण, संदेह, भ्रांतिमान आदि ये जो है माने जाते हैं अर्थालंकार। तो ये जो है शब्द अलंकार और अर्थालंकार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 90 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। 90 में आपके लिए चयन करना है, रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में अस्वादित किया जाता है। 90 में आपके लिए चयन करना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। तो विकल्प नंबर आपका डी वाला विकल्प जो है सही राइट आंसर है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में अस्वादित किया जाता है, ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। ये आपके लिए बताना है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। ध्वन्यालोक बताना है, आनंद वर्धन की रचना मानी जाती है ए, ध्वन्यालोक कई बार पूछी गई है और ये आपको देवव्रत जी, निशा जी बताना है, पिंकी जी कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। तो 9वीं शताब्दी बहुत सारे लोगों ने चयन किया है कि विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दें, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है, 9वीं शताब्दी की रचना है। आनंद वर्धन ने काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है और कई बार पूछा गया ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वह माने जाते हैं कौन, आनंद वर्धन। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 92 पूछा गया है, इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी है। 92 का राइट आंसर बताना है, चयन करना है, लियो लवेंथल, जॉर्ज ल्यूकॉच, जॉर्ज डेरिडा या फिर एपोलिटन। क्वेश्चन नंबर 92 में चयन कीजिएगा, क्या होगा सही राइट आंसर। अनीता जी, सुमन जी, कौन सा विचारक मार्क्सवादी है, मार्क्सवादी बताना है और आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जॉर्ज ल्यूकॉच आप सभी का सही राइट आंसर है। तनु जी, जॉर्ज ल्यूकॉच जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर, एक पाश्चात्य काव्य शास्त्रीय एवं मार्क्सवादी आलोचक विचारक माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर बाकी के दिए गए हैं आधुनिकतावादी विचारधारा के पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 93 पूछा गया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष आपके लिए बताना है। 93 का क्वेश्चन है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये एक रचना मानी जाती है, सैमुअल टेरल कोलरिज थे जो उनकी ये रचना मानी जाती है और इसका जो प्रकाशन माना जाता है वह माना जाता है कब, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है 1817 आप सभी का विकल्प नंबर जो सी 1817 ईस्वी वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही राइट आंसर चयन किया है, सैमुअल टेलर कॉलरेज की रचना है, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 94 है, देखिएगा, निम्नलिखित में से डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है, ये आपके लिए बताना है। 94 वा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर। डॉक्टर जॉनसन की कृति आपके लिए बताना है, चयन करना है कौन सी मानी जाती है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और एस कुमार जी आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा कि रेम्बलर, रेम्बलर आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर
जो ए है वह सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर है, डॉक्टर जॉनसन की कृति मानी जाती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे 95 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है, नहीं बताने आपके लिए। तो ये आपके यहाँ पर चार विकल्प दिए गए हैं और आपके लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प यहाँ पर सही राइट आंसर लगा दें, कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है। और 95 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा कि रोला वर्थ, आप सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर दीपमाला जी बी वाला जो है वह सही राइट आंसर होगा। रोला वर्थ आप सभी का सही राइट आंसर है, ये उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा गया है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत आपके लिए यहाँ पर 96 में चयन करना है, कौन सा अनुमानवाद है या फिर तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद है या फिर अभिव्यंजनावाद है। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे पूछा गया है, क्या होगा इसका सही राइट आंसर, सभी लोग चयन कीजिएगा। विवेक जी और राखी जी, निशा जी, क्या है सही राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 96 है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की बात करें तो विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा, यानी कि अनुमानवाद। अनुमानवाद आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, जो कि यहाँ पर सभी लोगों ने सही अनुमान लगाया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, चंपू के दो भेद हैं, चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है, विरोध और कपालक, विरोध और कुलक, विरोध और ब्रज्जा या विरोध और करंभक। 97 में बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, 97 वा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण पूछा गया यहाँ पर सागर जी। और चंपू के दो भेद माने जाते हैं और यहाँ पर आप सभी का डी वाला विकल्प आ रहा है सही राइट आंसर, कि डी लगा दें, विरोध और करंभक, ये जो है दो भेद माने जाते हैं, बिल्कुल सही राइट आंसर है, चंपू के दो भेद हैं। गद्य एवं पद्य मिश्रित काव्य रचना चंपू काव्य कहलाती है, इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की है, इसके दो भेद हैं जो कि अभी अपन ने पढ़ा है, विरोध और करंभक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 98 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, बताइए अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है, भामय ने, कुंतक ने, विश्वनाथ ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 98 वा, और 98 में आप सभी का सही राइट आंसर होगा विकल्प नंबर जो डी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वह आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस मीमांसा में वर्णन को अलंकार विशेष रूप में स्वीकार करते हुए काव्य में रसानुकूलन अलंकारों को ग्राह मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलंबन विभाग के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार्य है और उसमें आरोपित की गई वस्तुएं अलंकार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे पूछा गया है, काव्य संप्रदायों का सही विकल्प क्रम क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 99 में आपके लिए चयन करना है, बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या होगा यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर 99 में बी राइट आंसर होगा, बी यानी कि आपका रस अलंकार रीति वक्रोक्ति ध्वनि और औचित्य, ये वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपसे 100 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बेपथु कैसा अनुभव है, बेपथु बताइए, क्वेश्चन नंबर 100 में आपके लिए चयन करना है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, सभी लोग जुड़ जाइएगा। और चंद्रपाल जी, लवली जी, तन्मय जी, क्वेश्चन नंबर 100 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है, बेपथु कैसा अनुभव है, आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है, बौद्धिक है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही राइट आंसर है, ये सात्विक माना जाता है, कैसा माना जाता है, सात्विक आपका विकल्प नंबर सी जो है वह आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा।
विपत्तु सात्विक अनुभव होता है। अनुभव के दो भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। कायिक अनुभव के अंतर्गत जो क्रियाएं शरीर द्वारा की जाती हैं, जैसे आंगी इशारा करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, ये जो है ये मानी जाती है कायिक अनुभव, और ये कायिक अनुभव के अंतर्गत ये क्रियाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 101 पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? 101 में आपके लिए सही राइट आंसर बताना है, बताइए रजनी जी। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? और आप सभी का सही राइट आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 101 का विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया यहाँ पर एक, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, यानी कि बामन। बामन आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है। आचार्य बामन ने काव्य के अर्थ का वैज्ञानिक विवेचन किया है। क्वेश्चन नंबर आपका 102 पूछा गया है, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? बामन ने, रुद्रट ने, आनंद वर्धन ने, अभिनव गुप्त ने, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। चार विकल्प दिए गए हैं, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है, ए विरोध किया है किन्होंने, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है अभिनव गुप्त ने। अभिनव गुप्त आपका विकल्प नंबर जो डी है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। और इन्होंने अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा है, किन्होंने? अभिनव गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 103वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? बताइए किन्होंने किया है, भामय ने, राजशेखर, रोयक या फिर आनंद वर्धन? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 है और 103 का सही राइट आंसर है विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है, और रोयक यहाँ पर आप सभी का सी वाला जो विकल्प है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, रोयक जिन्होंने भी चयन किया उनका बिल्कुल सही राइट आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 104वां क्वेश्चन है, समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ये कथन किसका है? बताइएगा, चयन कीजिएगा, चार विकल्प दिए गए हैं और क्या होगा सही राइट आंसर। समाज की अधिकता ओज कहलाती है, मनीष जी बिल्कुल कोई बात नहीं, तो क्वेश्चन नंबर 104 का सही राइट आंसर आपके लिए बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, समाज की अधिकता ओज कहलाती है, ये कथन माना जाता है किनका, एक ब्राह्मण जी का कथन माना जाता है, विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ब्राह्मण आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 105 आपका यहाँ पर दिया गया है कि काशिका है, काशिका क्या है ये आपके लिए बताना है, चयन करना है, पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका है, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका है, पाणिनि कृत अष्टाध्याय की टीका है, या फिर भर्तृहरि कृत वाक्य पद्य की टीका है? क्वेश्चन नंबर 105 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर है रश्मि जी, क्या होगा सही राइट आंसर स्वतंत्र जी, विकल्प नंबर सी आप सभी का सही राइट आंसर होगा, पाणिनिकृत अष्टाध्याय की टीका है, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने सी जिन्होंने भी बताया है उनका सही राइट आंसर है, काशी का अष्टाध्याय पर जयादित्य एवं बामन द्वारा लिखी गई एक टीका है, आठ अध्यायों में लिखी गई इस टीका के प्रारंभिक पांच अध्याय जयादित्य और अंतिम तीन अध्याय बामन द्वारा जो है विरचित है। क्वेश्चन नंबर आपका 106 पूछा गया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम के प्रवर्तक आपके लिए बताना है कौन है, बताइएगा क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है, दंडी,
या फिर पंडित राज जगन्नाथ मम्मट या फिर विश्वनाथ। क्वेश्चन महत्वपूर्ण 106वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आज जो है बहुत ही कम लोग जुड़े हैं क्लास से, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 106 में आपके लिए सही राइट आंसर चयन करना है तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है, पंडित राज जगन्नाथ। आप सभी का विकल्प नंबर बी वाला जो विकल्प है वह सही राइट आंसर होगा। आचार्य पंडित राज ने अपनी पुस्तक रस गंगाधर में काव्य की परिभाषा दी है, उनके अनुसार रमणीय अर्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 107 है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य संकोक का सिद्धांत कहलाता है, इनका सिद्धांत आपके लिए बताना है, उत्पत्तिवाद है, अभिव्यंजनावाद है, अनुमितिवाद है या फिर भुक्तिवाद है, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर है सुनित जी, हाँ सही बात है। और राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा तन्मय जी की, यानी कि अनुमितिवाद आप सभी का सही राइट आंसर है, अनुमितिवाद आप सभी का सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किया है, बहुत बढ़िया। देखिए आचार्य भरत मुनि ने रस सूत्र व्यभावानुभाव व्यभिचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति की व्याख्या आचार्य संकोक ने की है, इनके सिद्धांत को अनुमितिवाद कहते हैं। बिल्कुल सही, संकोक द्वारा रस सूत्र की व्याख्या प्रमाण के आधार पर की गई है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 108 है कि वक्रोक्ति काव्य जीवतम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन है, 108 में आपके लिए चयन करना है, बताइए। क्या होगा सही राइट आंसर, विश्वनाथ है, मम्मट है, कुंतक है, दंडी है, 108 का सही राइट आंसर राखी जी, बिल्कुल। क्या होगा सही राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, यानी कि कुंतक आप सभी का सही राइट आंसर है, यानी कि वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य जो है वह कुंतक माने जाते हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है, आचार्य कुंतक वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अगला 109वां क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा गया, देखिएगा इरा क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना आपके लिए पहचानना है, कौन सी रचना है, नाट्य शास्त्र है या फिर व्यक्ति विवेक है, काव्य अलंकार है, काव्य प्रकाश है, क्वेश्चन नंबर 109। और 109 का सही राइट आंसर मोहित जी, पुष्पा जी, गणेश जी, क्या होगा सही राइट आंसर, चार विकल्प दिए गए हैं, लाइक अवश्य करते जाइएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक अवश्य कर लेंगे सभी लोग। और आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर लगा दीजिएगा कौन सा, डी काव्य प्रकाश, आप सभी का सही राइट आंसर है, काव्य प्रकाश की रचना मम्मट जी की मानी जाती है, विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर। अगर नाट्य शास्त्र पूछी जाती तो ये भरत मुनि की, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट और काव्य अलंकार आचार्य भामा एवं रुद्रट जी की रचना मानी जाती है, ग्रंथ मानी जाती है काव्य अलंकार। क्वेश्चन 110 पूछा गया, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय, तो क्या होगा सही राइट आंसर, मुनेश वर्मा जी जो अपनी एक प्लेलिस्ट बनी है हिंदी साहित्य 10 PM के नाम से जो है एक प्लेलिस्ट बनी है, तो उस पर आपकी जो है पूरी वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपके लिए जो है क्रम से पूरी मिल जाएंगी इसी क्लास की, तो वहां से आप जो है प्लेलिस्ट पर जाइए, यूट्यूब चैनल पर खोलिए, प्लेलिस्ट पर जाइए, वहां पर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उस पर आपके लिए जितनी भी 10 बजे क्लासें होती हैं वहां पर मिल जाएंगी। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक की बात करें तो भामय आप सभी का विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया 111वां क्वेश्चन है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान किया है, किन्होंने प्रदान की, 111 में आपके लिए बताना, भरत मुनि ने, विश्वनाथ ने, दशरथ ओझा ने या फिर पाणिनी ने, 111 में आपका सही राइट आंसर क्या होगा। और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर
सुनीत जी बिल्कुल करवाएंगे, वो भी करवाएंगे। और यहाँ पर आप सभी का सही राइट आंसर है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की है भरत मुनि ने। विकल्प नंबर एक आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, यहाँ पर सभी लोगों ने विकल्प नंबर एक जो है सही राइट आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 112 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। सुख दुखात्मक कोरस कहने वाले आचार्य कौन है? भरत मुनि है, आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र है, आचार्य विश्वनाथ है, या फिर आनंद वर्धन है? 112 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। सुख दुखात्म कोरसा कहने वाले आचार्य कौन है? और आप सभी का सही राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 112 में रामचंद्र गुणचंद्र। रामचंद्र गुणचंद्र, प्रीति जी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा है 113, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? रस, अलंकार, ध्वनि, या फिर शैली विज्ञान? चयन करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, चयन कीजिएगा। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 113 में विकल्प नंबर, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि डी राइट आंसर होगा, शैली विज्ञान आपका सही राइट आंसर है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर लगा दिया है, शैली विज्ञान जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है? चयन करना है, चयन कीजिएगा, सभी लोग बताइए, चयन कीजिएगा। चार विकल्प हैं 3, 5, 10, 8, इनमें से बताना है। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताइए कितनी? तो आप सभी का सही राइट आंसर है, इन्होंने 10 बताई है। विकल्प नंबर सी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर यहाँ पर होगा, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई है, जो इस प्रकार है श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओज, पद और सुकुमारता, अर्धशक्ति, उदारता और कांति। आचार्य दंडिक भी भरत के ही अनुरूप इन्हीं ने जो है 10 गुणों की चर्चा करते हैं, दंडी भी 10 गुणों की चर्चा करते हैं, आचार्य भरत मुनि ने भी काव्य गुणों की 10 संख्या बताई है। क्वेश्चन नंबर 115 पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति रस सूत्र किस आचार्य का माना जाता है? 115 में आपके लिए चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। बिल्कुल देवव्रत जी, तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण 115वां क्वेश्चन है, भट्ट लूलट, आचार्य भरत मुनि, भट्ट नायक, या फिर अभिनव गुप्त? तो इनमें से आपको चयन करना है और आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है आचार्य भरत मुनि, लगा दीजिएगा सही राइट आंसर। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, ये जो है सूत्र किस आचार्य का माना जाता है? तो आचार्य भरत मुनि का ये सूत्र माना जाता है। भरत ने नाट्य शास्त्र के छठी अध्याय में इसका अर्थ विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस सूत्र में स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 116 दिया गया है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना है, बताइए और क्या होगा सही राइट आंसर। अर्थबोध कराने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आप सभी का सही राइट आंसर आ रहा है, क्या रहा है राइट आंसर? तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। ये वाला विकल्प आपका कैसा है राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर जिन्होंने डी बताया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 117 पूछा गया है, जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लर्जने, जब द्रास बटालियन टाइगर हिल की सीमा लगी लर्जने, जब शहादत लेते हिमगिरी की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ए शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलिवेदी पर लहू पुकार उठा था। और उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण व्यंजित हो रहा है? ये आपके लिए बताना है, माधुर्य, ओज, प्रसाद, या फिर उपर्युक्त तीनों?
चार विकल्प दिए गए हैं पुनीता जी और आप सभी का सही राइट आंसर होगा रीना जी। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है, सॉरी बी जिन्होंने भी चयन किया है ओज, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा ओज। आप सभी का सही राइट आंसर उक्त पद्यांश में ओज काव्य गुण समाहित है। ओज काव्य गुण चित्त में उत्साह बढ़ाने वाला तथा दीप्ति लाने वाला होता है। इस काव्य गुण का प्रयोग वीर रौद्र विवस्य रसों में जो है इसका उपयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर अगला 118 का क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर कंकड़ कोलित रणत नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हाल हार, मुखरित ता कर कलरव गीतों में स्वर लय का होता है अभिसार, और बिछुड़े बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चंबन कातर ताए आज नमक को सता रही। अपरक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 118 वा क्वेश्चन है, चयन करना है। चार विकल्प आपके दिए गए हैं, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। और लवली जी, मनीष जी और तन्मय जी, साधना जी, आप सभी का यहाँ पर सही राइट आंसर है विकल्प नंबर जिन्होंने डी चयन किया है चित्त संस्कृति दोष, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। चित्त संस्कृति दोष आप सभी का सही राइट आंसर होगा। काव्य दर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है ये आपके लिए चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा क्या होगा। राजकुमारी जी सही राइट आंसर माग है, भास है, भवभूति है या फिर दंडी है। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, चयन कीजिएगा। सभी लोग बताएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काव्यादर्श की रचनाकार बताना है और बिल्कुल सही राइट आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर लगा दीजिएगा, यानी कि दंडी। दंडी आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, काव्यादर्श से दंडी की रचना है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 120 पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए सत्यर्थे प्रत गर्थायः स्वर व्यंजना सहन्ते और क्रमेण ते नैवावृत्तिर यकमम और विनिगद्यते, यमक की परिभाषा जो है किस आचार्य ने दी है ये आपके लिए बताना है, चयन करना है क्या होगा सही राइट आंसर। रेणु जी ये अपनी जो है 10:40 तक क्लास चलेगी और यहाँ पर जो ये परिभाषा दी है, संस्कृत जो है हमसे अच्छे से आती नहीं है। और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, मम्मट विश्वनाथ राजशेखर या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं। तो ये परिभाषा जो दी है यमक की, ये परिभाषा दी है विश्वनाथ जी ने। विकल्प नंबर आपका जो बी है भाई, आप सभी का सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। यमक की परिभाषा साहित्य दर्पण की रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने दी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 121 आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है कि त्रितमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिरभ्यासः कथन किस आचार्य का है ये आपके लिए चयन करना है। क्वेश्चन 121 वा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चयन करना है भामय रुद्रट मम्मट या जयदेव, बताइए क्या होगा सही राइट आंसर। सुनीत जी, श्रेया जी और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 121 में विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया रुद्रट, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। ये जो कथन है कि आचार्य का माना जाता है, तो रुद्रट आप सभी का सही राइट आंसर है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है। और जो रुद्रट है ये कश्मीर के निवासी थे, इनका जन्म इनका समय जो है 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। काव्यालंकार इनका ग्रंथ है जिसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा गया है 122वां क्वेश्चन है, षट्टक है ये क्या है, एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, एक प्रकार का नाटक है, एक प्रकार का गीत है, बताइए। तो आप सभी का सही राइट आंसर होगा 122 में, चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। और कल्पना जी, रेशमा जी, मुनेश जी, बिल्कुल बहुत जल्दी, तो 122 का आपका सही राइट आंसर है, षट्टक है ये एक प्रकार का नाटक माना जाता है।
बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया सभी लोगों ने जिन्होंने यहाँ पर चयन किया है सी, उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। सट्टक एक प्रकार का जो है नाटक यानी कि रूपक होता है, सट्टक की भाषा प्राकृत होती है। बिल्कुल सही राइट आंसर है, यह अन्य बातों में नाटिका के तुल्य होता है। नाट्यशास्त्र ग्रंथों में 8 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं, उनमें सट्टक रचना कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की पुष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 123वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके लिए बताना है रसापकर्षक कहा दोसा या उक्ति के साचार्य की मानी जाती है, उक्ति आपको बताना है, बताइए। और आप सभी का क्या है सही राइट आंसर, और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सुनीत जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, आएंगे जरूर आएंगे। और आप सभी का सही राइट आंसर है मुनेश जी, तो विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, विश्वनाथ जी की उक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर होगा। विश्वनाथ आप सभी का सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। विश्वनाथ इसके अपकर्ष करने वाले कारण को दोष कहते हैं, मम्मट के अनुसार रस के अपकर्ष के कारण को दोष कहते हैं मम्मट के अनुसार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 124 है, कीरति वनति भूति बल सोई सुर सरी सम सब कह है तो होई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है, बताइएगा, चयन कीजिएगा, लाइक सभी लोग करते जाइएगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर ले, रौली सिंह जी और इसी तरह अमित जी, रोज अपनी रात्रि में 10 बजे क्लास होती है, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए लाए जाते हैं। काव्य शास्त्र अपन पढ़ रहे हैं जिससे आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और विकल्प नंबर सी आपका सही राइट आंसर, उक्ति में तुलसीदास जी ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है, तो लोक मंगल सही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही राइट आंसर, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है, काव्य अलंकार सूत्र है, काव्य अलंकार है, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, या फिर काव्य दर्श 125 का सही राइट आंसर सभी लोग यहां पर चयन कीजिएगा। बहुत बढ़िया अंश जी, क्या होगा सही राइट आंसर 125 में आपके लिए चयन करना है, और 125 का आप सभी का सही राइट आंसर है। यहाँ पर गब्बर जी भी आ गए हैं, और विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, यानी कि काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति आप सभी का सही राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य बामन को माना जाता है। रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति है, जिसके रचनाकार भी आचार्य बामन है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 126 पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है, नहीं बताना है, चयन कीजिएगा। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा, चयन कीजिए सभी लोग, तो उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता या प्राकरण वक्रता, वक्रोक्ति का भेद नहीं है पूछा है आपसे। और आप सभी का 126 में विकल्प नंबर एक सही राइट आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर एक यहाँ पर लवली जी बिल्कुल सही राइट आंसर होगा, उक्ति विन्यास वक्रता आप सभी का सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर एक जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही राइट आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, देखिए उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं, वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक है, इन्होंने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति के 6 भेद बताए, वर्ण विन्यास वक्रता और पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता, ये 6 भेद मानी हैं। बिल्कुल सही राइट आंसर है स्वतंत्र गुप्त जी, बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 127 पूछा गया, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटी ए ब्रस बानु जा बे हलधर के वीर। उपरोक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति, शब्द शक्ति पूछ ली गई आपसे, बताइएगा। और आप सभी का क्या होगा सही राइट आंसर, चयन करना है सभी के लिए, ये उक्ति जो है उपरोक्त दोहा जो है इसमें शब्द शक्ति अभिधा लक्षणा व्यंजना उपरोक्त सभी कौन सी है, तो बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि व्यंजना, व्यंजना आप सभी का सही राइट आंसर होगा, सी वाला विकल्प सही राइट आंसर यहाँ पर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? इतना सरल क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा सही राइट आंसर? और आप सभी का सही राइट आंसर है यहाँ पर सागर जी, राकी जी, रेखा जी, राइट आंसर होगा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम के तो माने जाते हैं विश्वनाथ, विकल्प नंबर एक आप सभी का सही राइट आंसर होगा। अर्थात संपूर्ण वाक्य रचना ही काव्य यानी कि कविता है, वाक्यम रसात्मक मकम काव्यम इसका अर्थ है, रसपूर्ण वाक्य रचना ही कविता है या काव्य है, विश्वनाथ जी की उक्ति मानी जाती है, बिल्कुल सही। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? संयुक्त ध्वनि, संप्रक्य ध्वनि, युग्मक ध्वनि या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। और आप सभी का सही राइट आंसर क्या होगा? आस्था जी चयन करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आप सभी का सही राइट आंसर है लक्षिता जी, विकल्प नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा, युग्मक ध्वनि आप सभी का सही राइट आंसर है। प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? युग्मक ध्वनि, जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 130वां क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, बताइए आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? बताइए 130 का सही राइट आंसर बताना है, आचार्य देव ने 34वां कौन सा भाव माना है संचारी भाव? छल है, स्मृति है, पुलक है, रोमांच है, सभी से बन जाएगा ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया पूर्णिमा जी, और आप सभी का सही राइट आंसर है, क्या राइट आंसर? विकल्प नंबर आपका एक राइट आंसर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है? देव ने माना है, कवि देव ने, आचार्य देव ने, तो विकल्प नंबर एक आप सभी का बिल्कुल सही राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही राइट आंसर चयन किए हैं, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, सूर्य लाल जी। और रोज इसी तरह से जो है सभी लोग जुड़िएगा, लवली जी, गब्बर जी, नीता जी और देवव्रत जी, रेनू जी, रेखा जी और अनीता जी, आस्था जी, स्वतंत्र गुप्त जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, तन्मय जी, रेनू जी, पिंकी जी, राखी जी, लक्षिता जी, लक्षिता जी, श्रेया जी, सागर जी, सुनीत जी, पूर्णिमा जी, रेनू जी, अमित कुमार जी, रश्मि जी और प्रीति जी, सागर जी, नीता जी, रेशमा जी, पायल जी, निशा जी, मोहित जी, प्रियंका जी, रोली जी, रीना जी, आस्था जी, डीवी गेमर जी, बहुत बढ़िया, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति जी, प्रदीप जी और मुकनत जी, साधना जी, तनु जी, सुनीत सिंह जी, अनिल जी और पूर्णिमा जी, मुनीष जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सभी लोग करके ही जाएंगे। मनीषा गिल जी, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बिल्कुल। गब्बर जी, आपका भी नाम ले लिया है, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनीता जी, बिल्कुल। संगीता जी, कल्पना जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, प्रियंका जी, सागर जी और लवली जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तन्मय जी, आज के वीडियो में बस इतना ही, और अनीता यादव जी, अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के लिए शुभरात्रि और सभी के लिए